मंगल मूर्ति देवा मेरा पैसा डबल हो जाएगा ना रे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मीम फिश के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि भैया शिबा इनू कॉइन परचेज करके रखना क्यों इम्पोर्टेंट है और वो कौन से रीज़न है जो शिबा इनू कॉइन को आने वाले कुछ दिनों के अंदर सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो भैया जो स्टेकिंग कर रहे हैं, भैया तो आपको स्टेकिंग करने के लिए बहुत बड़े मकदार के अंदर शिबा होना लाजमी है। अब आप पूछेंगे भैया बड़े मकदार में होना क्यों लाजमी है, तो आपको मैं बता दूं कि भैया यहाँ पे जो इथेरियम की जो गैस फी है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप किसी भी एक्सचेंज के अंदर शिबा इनू कॉइन को होल्ड करके बैठे हो तो आपको सबसे पहले उसको सेल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इथेरियम परचेज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्ले स्टोर के अंदर मेटा मास्क डाउनलोड करना पड़ेगा और देन आपको उसी एक्सचेंज में से इथेरियम को ट्रांसफ़र करना है मेटा मास्क में, और उसके बाद मेटा मास्क आप कनेक्ट करेंगे शिबा स्वैप पे, और शिबा स्वैप पे आप जब इथेरियम को ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा गैस फी देनी पड़ती है और देन स्वैप करके आपको शिबा स्वैप के ऊपर दोबारा शिबा इनू कॉइन परचेज करने हैं, उसके बाद आप स्टेकिंग कर सकते हैं। बाकी कोई भी एक्सचेंज जो है वो डायरेक्ट शिबा स्वैप पे कनेक्ट नहीं होती है, आपको मैं क्लियर बता दूं। अगर आप होल्ड करके बैठे हो किसी एक्सचेंज के अंदर तो भैया डोंट वरी, आपको स्टेकिंग करनी है तो आपको बड़े मकदार में परचेज करने पड़ेंगे। अगर नहीं करनी है तो खैर है भैया, आप जो चुपचाप करके एक्सचेंज के अंदर होल्ड पे रख दो लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम बात करेंगे कि भैया वो कौन से रीज़न है जो शिबा इनू कॉइन को काफ़ी ज़्यादा आने वाले दिनों में सक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे पहला रीज़न है वो आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे जो शिबा इन्फॉर्मर का जो अकाउंट है उसने कह दिया कि भैया सिर्फ 12 घंटों के अंदर यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक्ड हुई है 570 मिलियन की। अब यहाँ पे सिर्फ ये 12 घंटों के अंदर ये 570 मिलियन तो पूरे लॉक हो गए, ये बंदे तो अब सेल ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जो भी बंदा लॉक करता जाएगा तो लिक्विडिटी प्रोवाइड होगी भैया। यहाँ पे वो बंदे सेल करने के लिए नहीं आए हैं, बंदे जो है वो स्टेकिंग कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इसको लॉक करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो वो 570 मिलियन मजीद ऐड हो गए उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक्ड हो गई 570 मिलियन की। अब ऐसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपको प्राइस में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट वो भी नज़र आती रहेगी। अब यहाँ पे दूसरी न्यूज़ है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सतोशी कुसामा ने कहा है कि भैया हम जो एक पार्टी अनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पे डेट भी बताई गई है 7/20/2021, और यहाँ पे जो भैया इन्होंने जो डीजे अनाउंस किया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये नाम है उसका ग्रिथ एमरी। अब इसके जो 5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर है तो भैया इसकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे ये पार्टियाँ हो रही है तो हो सकता है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हमें और भी मज़ेदार चीज़ें नज़र आ सके। और उसके अलावा अगर बात करें तो भैया दो एक्सचेंज अभी तक रेरी है जिसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो है रॉबिनहुड की। अगर भैया यहाँ पे ये 2 लाख सिग्नेचर कंप्लीट होते हैं उसके बाद रॉबिनहुड भी इसको लिस्ट करता है तो यहाँ पे भी एक अच्छा मौका होगा शिबा इनू कॉइन की प्राइस को बूस्ट करने में। अब यहाँ पर ये रॉबिनहुड बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है, यहाँ पे 18 से 19 मिलियन जो लोग हैं वो उसको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली भैया बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि भैया कॉइन बेस कब लिस्ट करेगा, तो यहाँ पे भैया देख सकते हैं कॉइन बेस भी इसको लिस्ट ज़रूर करेगा क्योंकि आप देख सकते हैं जब इसको आप कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले जो वॉलेट आता है वो कॉइन बेस का आता है, ठीक है भैया। अभी यहाँ पे भैया जो कॉइन बेस का वॉलेट दिया तो डेफिनेटली भैया कॉइन बेस भी इसको लिस्ट तो करेगा अपने प्लेटफार्म के ऊपर, और जब ये कॉइन बेस इसको लिस्ट करेगा रॉबिनहुड भी इसको लिस्ट करेगा तो डेफिनेटली भैया एक बहुत ही बड़ा तांडव होगा इसकी प्राइस के अंदर। तो भैया डेफिनेटली आपको जो वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, होल्ड करके आपको रखना है और सेल नहीं करना है क्योंकि भैया सेल करोगे तो आपको लॉस मिलेगा। अब आप ये भी बोलेंगे भैया स्वैप तो आ गया लेकिन प्राइस नहीं बढ़ी, तो भैया एक दिन के अंदर कुछ भी नहीं होता है, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि जब यूनी स्वैप, पेनकेक स्वैप, यहाँ पे जो बड़े बड़े स्वैप लॉन्च हुए थे तो उनकी प्राइस को बढ़ने में भी 5 से 6 महीने लग गए थे और ऑटोमेटिकली प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, तो बस यही चीज़ें आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।